News 18, India. नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने व्यवस्था सही करने के लिए दिल्ली से नोएडा फिल्म सिटी होते हुए ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। और इससे पहले हमने देखा था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि आप एडवाइजरी को देखें, उसके बाद ही घरों से निकले। आप ये किसान देखिए जो 107 गांव के हैं, हजारों की तादाद में है, धक्का मुक्की हो रही है और पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। किसानों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग मांगों को लेकर के वो दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उनको रास्ते में रोका गया है। महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाला रास्ता पहले से ही बंद है, जाम लगा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोग पिसते हैं। ऐसे में जो लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं या फिर नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, उनके लिए परेशानी ज्यादा है। लेकिन ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि जो अधिग्रहण उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसमें जो 10% कटता है, 10% का प्लॉट उनको पूरा दिया जाए, जो कि 5% मिलता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2, दो कैमरों के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इलाका अलग है लेकिन तस्वीर एक ही है। बॉर्डर पर यही स्थिति है, धक्का मुक्की है और किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक इसी तरीके से वो धरने पर रहेंगे।